ये कहानी एक 16 साल की लड़की और एक 60 साल के बूढ़े डॉक्टर पर आधारित है, जो अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए अपनी पेशेंट को फंसा लेता है और फिर उसके साथ जमकर टप्पा टप करता है। फिर मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में अगरसीन नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी बहन के साथ एक रिच फैमिली में मेड का काम कर रही थी। फिर जब अगरसीन वहाँ के लोगों को खाना परोसने लगती है, तभी अचानक उसे एक सीवर अटैक आता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है और फिर कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। ऐसा देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक लेडी आकर अगरसीन पर पानी फेंकती है, जिसके बाद अगरसीन को होश आ जाता है, लेकिन उस अटैक के बाद उसकी एक आंख और एक हाथ काम करना बंद कर देता है। हालांकि उसका एक हाथ पैरालाइज्ड हो जाता है और इसलिए अगले दिन अगरसीन की बहन उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। हालांकि इस हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जिन्हें इस तरह की बीमारी थी। फिर अगरसीन को चेकअप करने के लिए लेकर जाते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट्स को बिना कपड़ों के चेक करते थे। फिर अगरसीन को भी वैसे ही चेक किया जाता है और फिर तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे हिस्टेरिया नाम की बीमारी हुई है और इसके इलाज के लिए अगरसीन को कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। फिर अगरसीन की बहन उसे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां की एक नर्स अगरसीन को अपना कमरा दिखाती है। शाम को जब अगरसीन खाना खाने जाती है, तो वहां पर वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है जिन्हें हिस्टेरिया की बीमारी थी। वो उन सबको नोटिस करती है, तब उसे पता चलता है कि इन सबको अलग अलग बीमारी है। फिर वहां से वो अपने रूम में सो जाती है। फिर अगले दिन सारी लड़कियां रेडी होती है, क्योंकि आज डॉक्टर जिन मार्टिन उनका चेकअप करने वाले थे। दरअसल डॉक्टर मार्टिन एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है, जो इन लड़कियों की प्रॉब्लम्स को समझकर उन पर अच्छी तरह से इलाज करता है। हालांकि वो इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं लेते थे, बल्कि इन लड़कियों के इलाज के लिए वो लोगों से फंडिंग लेते थे और फिर उन्हीं पैसों से वो अपना हॉस्पिटल भी चलाते थे। उस दिन भी वो हॉस्पिटल में कुछ लड़कियों का चेकअप करते हैं और फिर कुछ देर बाद अगरसीन सभी लड़कियों के साथ मिलकर वहां का काम करने लगती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर मार्टिन कहीं जा रहे थे और इसी दौरान अगरसीन को फिर से बीमारी का दौरा आता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। फिर तभी डॉक्टर मार्टिन यह सब देख लेता है और अगरसीन को लेकर अपने कैबिन में जाता है। वहां जाकर वो उसे चेक करता है कि असल में अगरसीन को किस बात के कारण ये अटैक आता है। फिर कुछ देर बाद वो उसके कपड़े निकालता है और उसकी पूरी बॉडी चेकअप करता है। वो अगरसीन की बॉडी पर रेड पेन से कुछ मार्किंग करता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट को चेक करने लगता है। फिर चेकअप के बाद एक नर्स अगरसीन को कपड़े पहनाती है और फिर वहां से ले जाती है। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो इसी बीमारी से गुजर रही थी। और तब वो लड़कियां बताने लगती है कि बचपन में उनके साथ हुआ टॉर्चर के कारण उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है और इसी के चलते उनकी मेंटल कंडीशन पर भी असर हो रहा है। फिर वही दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ डिनर करने बैठते हैं और तब वो उसे उसके पेशेंट अगरसीन के बारे में बताता है। वहां अगरसीन को मिलने उसकी बहन हॉस्पिटल में आती है और उसका हाल जानने के लिए उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन हॉस्पिटल आ जाते हैं और फिर अगरसीन को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। वहां आने के बाद डॉक्टर मार्टिन उसे बताते हैं कि कल हम सबके सामने तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके कारण लोग इस डिसीज के बारे में और भी जान सकेंगे और फिर हमें कुछ फंडिंग भी मिलेगी। फिर अगले दिन कुछ लड़कियां अगरसीन को रेडी करती हैं और डॉक्टर मार्टिन उसे सबके सामने प्रेजेंट करता है। फिर कुछ देर बाद वो अगरसीन पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण वो कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन तभी उसे वही अटैक आ जाता है और फिर अगरसीन कुछ अलग ही बिहेव करने लगती है। फिर वो सबके सामने अपने मौत के कुएं में हाथ डालने लगती है। फिर डॉक्टर मार्टिन का ये एक्सपेरिमेंट देख सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर इन सबके बाद डॉक्टर मार्टिन कुछ कैश के साथ डिनर करने लगते हैं और वहां पर वो उन सबको इस बीमारी के बारे में डिटेल से बताने लगते हैं और बताते हैं कि इस बीमारी में कुछ लड़कियां अपना कंट्रोल खो देती है और किसी आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इन सबके बाद डॉक्टर मार्टिन अगले दिन फिर से अपने हॉस्पिटल जाता है और अगरसीन को चेक करने लगते हैं और फिर चेकअप के बाद वो नर्स से कहकर अगरसीन को एक सेपरेट रूम में शिफ्ट करने के लिए कहता है। फिर अगरसीन दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है तो वो नोटिस करती है कि डॉक्टर मार्टिन उसे लेकर बहुत ही सीरियस है।
हालांकि वो उसकी बहुत देखभाल भी करते हैं। ये सब सोचकर अगरसीन मन ही मन खुश होने लगती है। अगले दिन अगरसीन की फ्रेंड उसे एक मुर्गे को पकड़ने को कहती है, लेकिन जब अगरसीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है तब वो उस मुर्गे का हाल देखकर बेहोश हो जाती है। फिर जब बाद में उसे होश आता है तब वो नोटिस करती है कि अब उसकी दूसरी आंख खुल गई है और अब वो सभी चीजों को क्लियर देख सकती है। तब अगरसीन खुश होती है और फिर उसे लगता है कि अब उसका हाथ भी ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका वो हाथ अब भी वैसा ही था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर मार्टिन के पास चेकअप के लिए जाती है और तब वो उसे बताती है कि अब मुझे सब क्लियर दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर मार्टिन उसके कुछ टेस्ट करते हैं, वो उसके हाथ को भी देखते हैं, लेकिन अब तक उसके हाथ में कोई बदलाव नहीं था। फिर अगरसीन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो डॉक्टर मार्टिन के केबिन में आती है। तब मार्टिन नोटिस करता है कि अगरसीन उसे पसंद करने लगी है और इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए बार बार उसके केबिन में आ रही है। लेकिन डॉक्टर मार्टिन एक हैप्पी मैरिड इंसान था और वो अगरसीन के साथ ऐसा वैसा कुछ करना नहीं चाहता था और इसलिए वो अगरसीन से दूरी बनाने लगता है। फिर जब अगरसीन का चेकअप हो जाता है तो वो वहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स को देखती है और फिर उनसे डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछती है। जब वो उसे बताते हैं कि आज से आपका चेकअप हम लोग ही करेंगे, तब अगरसीन उनसे चेकअप कराने से मना कर देती है। वो उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। तब वो डॉक्टर्स भी उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो जाते हैं और फिर उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन को सिस्टर अगरसीन के बिहेवियर के बारे में बताती है। फिर तब डॉक्टर मार्टिन उससे मिलने उसके रूम में जाते हैं। वहां जाकर वो उसे एक सूप पिलाते हैं और फिर वहां से वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद वो अगरसीन को अपने पैट मंकी से मिलाता है और फिर उस मंकी को उसके हाथ में दे देता है। वो मंकी भी अगरसीन के साथ मस्ती करने लगता है और फिर कुछ देर अगरसीन भी उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन भी उन्हें ज्वाइन करता है। तब अगरसीन डॉक्टर मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे इग्नोर करता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। हालांकि अब डॉक्टर मार्टिन भी अगरसीन से इम्प्रेस हो रहा था और इसीलिए वो उस रात अपने स्टाफ को अगरसीन के चेकअप का बहाना देकर उसके रूम में जाता है। लेकिन तब अगरसीन सो रही थी। वो उसकी हालत देखकर और फिर खुद को कंट्रोल करके वहां से चला जाता है और फिर घर जाकर भी उसे अगरसीन का ख्याल आने लगता है। फिर अगले दिन वो फिर से हॉस्पिटल आते हैं और अगरसीन पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो अगरसीन के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। तब अगरसीन उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो। लेकिन तब भी डॉक्टर मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता, इसलिए अगरसीन वहां से निकल जाती है और फिर अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन फिर से उसे मिलता है और बताता है कि कल फिर एक बार हम तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर अगले दिन नर्स उसे रेडी करती है, लेकिन तब अगरसीन इन सब चीजों से परेशान होकर वहां से भागने लगती है। फिर भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है वो नोटिस करती है कि अब उसका हाथ ठीक हो गया है और इसीलिए वो फिर से डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है। तब डॉक्टर उसे सब लोगों के सामने ले जाता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे अटैक नहीं आता बल्कि अब अगरसीन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर मार्टिन के फंड के लिए अटैक आने का नाटक करने लगती है। यह बात डॉक्टर मार्टिन को पता चल जाती है और वो अगरसीन से खुश हो जाता है। फिर जब वो उससे मिलता है तब वो अगरसीन के करीब आता है और फिर उसके सारे कपड़े निकालकर उसके साथ गपागप करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रियलाइज होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है यह सब गलत है और इसीलिए वो अगरसीन से दूर हट जाता है। फिर अगरसीन को यह गलत लगता है, फिर वो डॉक्टर मार्टिन से दूर जाने का डिसाइड करती है और फिर एक दिन वो डॉक्टर मार्टिन के हॉस्पिटल से भाग जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।